आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है सर, जो हमने किया है वो एक अपने आप में केस स्टडी है और हम इसमें अगर मैं कहूं तो लीड ड्राइवर रहे इस टेक्नोलॉजी में जिसने साउथ पोल पर लैंड कराया। आपको लगता नहीं है कि ये आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एज इन शेयरिंग द टेक्नोलॉजी? नहीं, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा। आई एम कंपेयरिंग टू द डेज जब क्रायोजेनिक इंजन को लेकर परेशान था भारत। हाँ बिल्कुल, हम लोग ने जैसे मैंने इसके पहले बताया कि बिना क्रायोजेनिक इंजन के आप ऑर्बिट में डाल ही नहीं सकते किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो वो हमने और वो रशिया से हमने कुछ बने बनाए खरीदे थे, उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी थी और उस पर जब बैन लग गया तो हमने वो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी क्रैक कर दी। और अभी जैसे कि ये लोग पूछे थे कि बाकी लोग 4 दिन में पहुंचते हैं, हम 40 दिन लेते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि ये इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंपोनेंट, ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए, ये टेक्नोलॉजी शेयर करना एक बहुत बड़ा प्रॉफिट शेयरिंग। नहीं, ये टेक्नोलॉजी, दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, इसके और भी बड़े इम्प्लीकेशंस होते हैं। मैं वो, लेकिन बाकी तो फेल कर गए, हम कामयाब हो गए। बिल्कुल, तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 4 लोगों के पास है, हम क्यों इसको शेयर करेंगे? किसी ने हमारे साथ तो शेयर नहीं किया, हमने खुद इसको डेवलप की। इसके बहुत स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस होते हैं, स्ट्रेटेजिक मतलब दीज ऑल। अच्छा, मुझे एक मेरा सवाल आपसे है जिसके लिए मैं थोड़ा आपके पास भी आना चाहूंगा। ये कितना बड़ा रिस्क कंपोनेंट है? ये सब हो गया, लैंडिंग हो गई, लेकिन इसका बाहर निकलना, ये स्लाइड गाना, ये कितना बड़ा डेंजर फैक्टर है? देखिए, जब तक ये उतर के नीचे चलने नहीं लगता है, ये भी रिस्क तो है। मान लीजिए इसने झटका खाया, कुछ खाया, अंदर कुछ टूट फूट गया, कुछ हो गया, हालांकि वो हुआ अभी अभी, जब ये कंप्यूटर ऑन होगा, ऑल दैट इट विल स्टार्ट चेकिंग दिस कॉम्पोनेंट। अब तक ये सोया हुआ था। ये टफ पार्ट क्या था, लैंड कराना या इसको बाहर निकालना? लैंडिंग करना ऑफकोर्स डिफिकल्ट था, लेकिन ये भी अभी क्या कहते हैं, इसको देखना पड़ेगा कि ये रैंप नीचे आता है कि नहीं। इसके बाद जैसे ये आप ये देख रहे हैं, ये चीज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, सोलर पैनल। ये इसमें क्या है कि ये एक्चुअली फोल्डेड है, पड़ा फोल्डेड करके जब ये बाहर निकलेगा तो ये इस तरह से ओपन होगा। अगर मान लीजिए बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, मान लीजिए हिंज के किया हुआ नहीं खुला, तो मिशन तब ये काम ही नहीं करेगा। तो अभी बहुत छोटी छोटी बारीकियां बाकी है, 99.9 हम कर चुके हैं, बहुत छोटी छोटी बारीकियां इसके बाहर आने में बाकी है, लेकिन ये लैंड कर गया, ये अपने आप में अपने जो बहुत बड़ा एक मुकाम था वो हासिल कर लिया, जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था।